गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। बेटा, आपके यूनिट टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम फिर से अपना सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ्स में सब्ट्रैक्शन 1 to 10। सब्ट्रैक्शन का साइन होता है ऐसे, इसका मतलब यानी कि घटाना, और इसका मतलब होता है ऐड करना, जोड़ना। ठीक है, ये आपको मैंने वैसे पेज करवा दिया था, फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज करवा रही हूँ। जैसे फ्रॉम 9 टेक अवे 5, यानी कि 9 में से आपने 5 घटाने हैं, तो कैसे? आपको 9 बॉटल्स दी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 5 उसमें से ले ली गई हैं, तो 1 2 3 4 5 हमने काट दी। अब हम देखेंगे हमारे पास कितनी बचती हैं, 1 2 3 4, तो आपका आंसर आ गया 4। ऐसे ही नेक्स्ट है, आपके पास 6 बॉटल्स हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें से 2 आपने काटनी है, यानी कि 1 2, ये गई। अब कितनी बच गई हमारे पास, 1 2 3 4, आंसर 4। ये पेज आपका वैसे रिवाइज हो चुका था। अब मैं आपको नेक्स्ट पेज करवा रही हूँ, पेज नंबर 24। इधर देखिए, देयर वर 6 बनानास एंड 1 वॉज इटन, हाउ मैनी बनानास आर लेफ्ट। 6 केले हैं हमारे पास, जिसमें से एक खा लिया गया है, तो बाकी कितने बचते हैं? आपको 6 बनानास यहाँ दिए हुए हैं, 1 पर क्रॉस कर दिया क्योंकि 1 हम खा चुके हैं, तो हमारे पास अब कितने बचे हैं, 1 2 3 4 5, तो आप यहाँ आंसर 5 कर देंगे। अब इसमें से सभी ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करने हैं। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम अ नंबर, अगर हम किसी नंबर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, वी गेट द नंबर जस्ट बिफोर द गिवन नंबर। तो जैसे जस्ट बिफोर हम करते हैं ना, तो वैसे ही नंबर राइट होगा। आप करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सब्ट्रैक्ट 1 एंड राइट द आंसर इन द बॉक्सेस, यानी कि इनमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है और उनका जो आंसर है वो बॉक्स में आपको राइट करना है। जैसे 2 - 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। 3 - 1 इज इक्वल टू 2। अब देखो 3 जस्ट बिफोर में, अब हम ऐसे करें 3, तो 3 से पहले क्या आता है, 2, तो 2 आ गया ना आंसर। 1 - 1 यानी कि 1 है हमारे पास, वही काट देंगे तो क्या बच गया, 0। ठीक है, ये भी आपको ऐसे ही करना है। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्टिंग 0। अब 0 को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, देयर आर 5 डोनट्स, यहाँ पे 5 डोनट्स हैं आपके पास, नन हैज़ बीन ईटन, यानी कि एक भी नहीं खाया, हाउ मैनी डोनट्स आर लेफ्ट, आपको बताने हैं कि कितने बच गए। जब हमारे पास थे ही 5, हमने खाए ही नहीं, तो 5 के 5 ही रह जाएंगे ना, तो 5 - 0 इज इक्वल टू 5, वही का वही डिजिट आ जाएगा। अब आप यहाँ करेंगे, सो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम अ नंबर, जब हम 0 में से किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, वी गेट द सेम नंबर, हमें सेम नंबर ही मिलता है। जैसे 6 - 0 तो 6 का 6 आ जाएगा, 3 - 0 तो 3 आ जाएगा। ठीक है, ये पेज आपका ऐसे है। नेक्स्ट है पेज नंबर 25, सब्ट्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन। अब नंबर लाइन है, ये देखो नंबर लाइन के ऊपर आपको सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे, आई हैड 8 टॉफीज़, 8 टॉफीज़ हैं हमारे पास, आई गैव 3 टॉफीज़ टू माई फ्रेंड, उसने 3 टॉफी अपने फ्रेंड को दे दी, जैसे 8 में से 1 2 3, तो अब कहाँ पे हम आ गए, 5 पर आ गए ना, तो हाउ मैनी टॉफीज़ आर लेफ्ट नाउ, तो कितनी बच गई, 5, तो अब देखो स्टार्ट एट 8, 8 पे हमने स्टार्ट किया, देन गो बैक 3 स्पेसेस, तो हम 3 पे आ जाएंगे क्योंकि हमने 3 टॉफी अपने फ्रेंड को दे दी थी, तो यू विल रीच 5, तो हम 5 पे पहुंच गए। अब आप ये करोगे तो आपको पता लगेगा। अब देखो 5 - 2, पहले हम 5 पे पहुंच गए, ठीक है, तो उसमें से 2 हमने काटने हैं, जैसे 1 2, अब कितने नंबर पे हम आ गए, 3 पर आ गए ना, 5 - 2 3, ये वाले भी आपको ऐसे सब्ट्रैक्ट करने हैं। आप करोगे आपको समझ में आ जाएगा। 1 में और कर देती हूँ, देखो 7 पर जाना है हमने, उसमें से 4 काटने हैं, 1 2 3 4, कितने नंबर पे आ गए हम, 3 पर ना, 7 में से 4 गए, 3। ठीक है,
ये आपका मैथ्स का होमवर्क है, बुक पे आपको करना है। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।